दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि हम आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो लेकर आते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए कुछ सीखे सीरीज का एपिसोड लेकर आते हैं, जैसे कि पेटीएम ट्रेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है होटल बुकिंग को लेकर, कि आप पेटीएम से कैसे होटल में रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा होने वाला है कुछ सीखे सीरीज़ का एपिसोड नंबर 18। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि आप पेटीएम से कैसे होटल में रूम बुक कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, मैं आपको सिखाता रहता हूँ, आपको ऑफर भी मैं ला कर देता हूँ। और आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, तो आज का हमारे वीडियो का लाइक कर रहा 30, तो आप 30 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, जैसे करवाएंगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले ऑफर एंड डील्स के बारे में अपडेट देता हूँ, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पेटीएम से होटल में रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पेटीएम ओपन कर लीजिए। तो मैं हर बार की तरह अपने पेटीएम ओपन कर लूँगा, तो हर बार की तरह आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर, तो आपको इनकी ओर ध्यान ही देना है। आपको नीचे जाना, जैसे आप नीचे जाएंगे माय पेटीएम, तो नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा आल सर्विस। मैं जैसे आल सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, दोस्तों नीचे आएगा ट्रैवल। जैसे मैं ट्रैवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा होटल। जैसे मैंने होटल के ऊपर क्लिक किया, तो आगे से आ रहे हैं कुछ ऑप्शन, जैसे कि सिटी, लोकेशन, होटल नेम। तो आप इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप होटल नेम डालेंगे, उस नाम वाले जितने होटल हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आ रहा चेक इन एंड चेकआउट, तो यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी कि आपको कब चेक इन करना है, कब आपको चेक आउट करना है। तो मैं यहाँ पर सिटी में डालूँगा अमृतसर। अमृतसर डालने के बाद मैं नीचे चूज़ करूँगा डेट 28 जुलाई, और चेकआउट मैं डेट चूज़ करूँगा 29 जुलाई, मतलब कि वन नाइट। जैसे मैंने चूज़ किया, तो नीचे आ रहा सर्च होटल। जैसे मैंने सर्च होटल के ऊपर क्लिक किया, तो होटल सर्च होने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको 10 से लेकर 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। तो आप 10 से लेकर 30 सेकंड तक वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे होटल आ जाएंगे। जो ऊपर की तरफ होटल आएंगे, वो आएंगे पॉपुलर होटल, जो काफ़ी अच्छे होटल होंगे, जिनमें आपको काफ़ी अच्छे रूम मिलते हैं काफ़ी हाई प्राइस में, जो बेस्ट होटल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलर वाले होटल ही आएंगे शुरू शुरू में। फिलहाल आपको नीचे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि सॉर्ट, फिल्टर, मैप। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सॉर्ट पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको लो टू हाई, हाई टू लो, प्रोसेस्ड, हाईएस्ट स्टार कैटेगरी, पेटीएम बेस्ट डील होटल, होटल रेटिंग। तो आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा लो टू हाई, क्योंकि दोस्तों हमें मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं, वो करते हैं नॉर्मल होटल में रूम बुक। जैसे कि दोस्तों सस्ता होटल बन जाए, सस्ते होटल में ही एक नाइट गुजर जाए, जो कि काफ़ी अच्छी हमें सर्विस वगैरह मिल जाए, हमें कोई दिक्कत ना आए, लेकिन चीप क्वालिटी में होटल हमें मिल जाए, अच्छा रूम हो, तो दोस्तों हम ऐसे बुक करते हैं। तो मैंने लो टू हाई यहाँ पर जैसे चूज़ किया, तो यहाँ पर सारे सारे होटल आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा फ़िल्टर। जैसे मैंने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आ रहा है प्राइस रेंज। दोस्तों, आप यहाँ पर 2000 के नीचे नीचे बुक करना चाहते हैं, या आप 2001 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच वाले होटल देखना चाहते हैं, 3 स्टार की रेटिंग के नीचे वाले होटल देखना चाहते हैं, या आप 3 स्टार की रेटिंग के ऊपर वाले होटल देखना चाहते हैं, आप जैसे देखना चाहते हैं वैसे चूज़ कर लीजिए। आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर देना, वैसे वैसे होटल आ जाएंगे। और तीसरा आपको ऑप्शन मिल रहा है मैप, तो आप मैप के मुताबिक भी यहाँ पर होटल देख सकते हैं, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैंने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया शॉर्ट में से लो टू हाई। तो यहाँ पर काफ़ी सारे होटल आ चुके, जैसे कि दोस्तों जो सबसे चीपेस्ट हमें यहाँ पर रूम दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है 340 रुपये, 450, 799। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आपको पर्सनल रूम मिलेगा वो मिलेगा 599 रुपये से ऊपर का ही। अगर आप 340 वाला बुक करते हैं दोस्तों, वो आपको हॉल मिलेगा। हॉल में आपको एक बिस्तर मिल जाएगा, एक बेड मिल जाएगा। तो हॉल में आपको मिलेगा एक बेड, ये नहीं है कि आपको पर्सनल रूम मिले। अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हैं, तो आपको 600 रुपये से ऊपर की बुकिंग करनी पड़ेगी, तो ही आपको पर्सनल रूम मिल पाएगा। तो यहाँ पर एक नीचे आ रहा है 450 वाला, ये भी हॉल में हमें बेड मिल रहा है। तो यहाँ पर एक नीचे आ रहा है गुरजीत गेस्ट हाउस, हाल बाजार में जो होटल है दोस्तों, यहाँ पर इसकी कीमत 799 रुपये बताई गई है। तो यहाँ पर हमें एक रूम मिल रहा है पर्सनल वाला, दोस्तों यहाँ पर हम 799 रुपये में बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साथ में लोगों भी दिखाई दे रही है कि आपको इस होटल में क्या क्या मिल सकती है सुविधा। जो आपको सुविधा मिलेगी दोस्तों, वो यहाँ पर बता दी जाएगी, तो आप उनमें से कोई भी सुविधा ले सकते हैं। कुछ सर्विस फ्री होती हैं, तो कुछ सर्विस चार्जेबल होती हैं। जो फ्री पेड में शो होंगी वो फ्री होंगी, जो पेड शो होंगी वो पेड होंगी, तो आप उनसे जाकर पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुरजीत गेस्ट हाउस चूज़ करूँगा। जैसे मैंने गुरजीत गेस्ट हाउस चूज़ किया, तो ऊपर की तरफ आ रही काफ़ी सारी फ़ोटो होटल की, तो आप फ़ोटो को देख कर एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रूम कैसे होने वाला है होटल का, तो आपको पता चल जाएगा।
तो नीचे आ रहा है होटल का नाम और नीचे आ रही कीमत 799 पर नाइट वन रूम। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, यहाँ पर आ रहा है चेक इन, तो आप चेक इन दोपहर के 12 बजे कर सकते हैं, जो आपको चेकआउट करना पड़ेगा वो 11 बजे सुबह सुबह करना पड़ेगा। और नीचे आ रही है होटल की टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि दोस्तों आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको होटल में रूम नहीं मिलेगा, पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों सेम सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप अमृतसर में हैं और आप अमृतसर में रूम बुक कर रहे हैं, तो आपको रूम नहीं मिलेगा। जो दूसरी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो है अनमैरिड कपल में बी नॉट अलाउड। दोस्तों जो अनमैरिड कपल, जैसे कि अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, या आपका बॉयफ्रेंड है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको रूम नहीं मिलेगा, इस होटल में अलाउड नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे होटल में अलाउड भी होता है, तो जिसमें अलाउड होता है वहाँ पर लिखा जाता है अनमैरिड कपल आर वेलकम या अनमैरिड कपल आर अलाउडेड, ऐसा लिखा जाता है। तो आप ध्यान से पढ़ लेना, अगर आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं दोनों, तो आपको इसमें रूम नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आपके दिमाग में कुछ और ही ख्याल आ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान से देख कर रूम बुक करना पड़ेगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोनों के पास उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं दोस्तों एक्सेप्ट होगा, और कोई भी आईडी प्रूफ है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नीचे आ रहे अमेनिटाइज, जो दोस्तों यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि व्यू वाल मैं करूँगा, यहाँ पर वाईफाई, रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर, दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर सर्विस दिखाई जा रही हैं जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये सारी की सारी सर्विस फ्री नहीं होने वाली है दोस्तों, कुछ सर्विस फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। तो जब आप होटल में रूम बुक करेंगे, जब आप जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी सर्विस पेड है, कौन सी फ्री है। जो आपको पेड में फ्री दिखाई दे रही वो आपको फ्री मिलेगी। नीचे आ रहा है मैप, तो आप सीधा यहाँ पर लोकेशन लगा कर भी जा सकते हैं, आप गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं। तो नीचे दोस्तों और भी होटल की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, फिलहाल मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों नीचे आ रहा है सिलेक्ट रूम, मैं जैसे सिलेक्ट रूम के ऊपर क्लिक करूँगा, दोस्तों आगे से आ चुका है ओनली ऑन वन रूम। तो यहाँ पर हमें एक रूम दिखाया जा रहा है, स्टैंडर्ड रूम। दोस्तों काफ़ी सारे प्रीमियम रूम भी होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, अलग अलग होटल में अलग अलग रूम होते हैं, तो फिलहाल इसमें स्टैंडर्ड रूम ही आपको मिलेगा, कोई यहाँ पर प्रीमियम रूम आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर नीचे बताया गया है वन किंग बेड, और नीचे बताया जा रहा है डेली हाउसकीपिंग, फायर प्लेस, फ्री बॉटल, तो आपको फ्री पानी वाली बॉटल यहाँ पर मिल जाएगी, साथ में लिखा है। और दोस्तों नीचे आ रहा है विद ब्रेकफास्ट, मतलब कि आपको साथ में ब्रेकफास्ट ही मिल रहा है, इसी प्राइस में 799 में ही आपको साथ में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और नीचे एक दोस्तों यहाँ पर रेड कलर का लिखा है नॉन रिफंडेबल, तो इसका मतलब ये है अगर आप होटल में रूम बुक कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा जब आप उसको कैंसिल करेंगे। जैसे दोस्तों अगर आप पक्के जाने वाले, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका अचानक से प्लान कैंसिल हो जाता है, आप सोचते नहीं आज नहीं हम जाएंगे, तो दोस्तों आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको एक ही रुपया वापस नहीं मिलेगा। हालांकि अलग अलग होटल की अलग अलग कंडीशन होती हैं, किसी किसी होटल में आपको आधा रिफंड मिलता है, किसी किसी में पूरा ही मिल जाता है। तो ये फिलहाल होटल पर डिपेंड करता है कि वो आपको रिफंड प्रोवाइड करता है नहीं जब आप कैंसिल करेंगे, तो आप ध्यान से चेक कर लेना, फिलहाल अलग अलग होटल की अलग अलग कंडीशन होती हैं, तो आप देख लेना। और नीचे आ रहे 799 वन रूम पर नाइट, यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने सिलेक्ट पर क्लिक किया दोस्तों यहाँ पर आ रहा है वन रूम, जैसे यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा दोस्तों नीचे आ रहा है नंबर ऑफ़ रूम एक ही, दोस्तों रूम मैं और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि और रूम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नीचे आ रहा है नंबर ऑफ़ अडल्ट, जो 5 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर 5 साल से नीचे कोई आपके साथ बच्चा है, तो दोस्तों फिर उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो दोस्तों बाद में दिक्कत हो सकती है, तो आप पहले ही बता देना। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया रूम, तो नीचे आ रहा है कंटिन्यू, मैं जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों कोई हमें एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर आगे आ रहा है टोटल रूम वन, टोटल अडल्ट वन, चिल्ड्रन कोई भी नहीं है। यहाँ पर और भी काफ़ी डिटेल देंगे होटल के बारे में, और नीचे आ रहा है गेस्ट डिटेल, तो जिसके नाम पर आप रूम बुक करना चाहते हैं, जो जाना चाहता है, आप उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए, उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। जैसे मैंने पूरी डिटेल डाली, तो दोस्तों नीचे और भी काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि हमें ये फ्री मिलेगा, हमें सब कुछ बताया जा रहा है। नीचे दोस्तों आ रहा है ऑफर्स, तो यहाँ पर आ रहा है कि आप प्रोमो कोड चूज़ कीजिए। दोस्तों जैसे मैंने प्रोमो कोड के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर कोई भी प्रोमो कोड हमें नहीं दिखाया जा रहा है। अगर कोई प्रोमो कोड पेड की तरफ से आया हुआ, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है, तो आप मैनुअल भी यहाँ पर डालकर उसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको उस मुताबिक कैशबैक मिल जाएगा अगर वो अप्लाई हो गया। अगर कोई ऑफर नहीं होता, तो फिर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर नीचे आ रहा है प्रोसीस टू पे 799, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो आगे से आ जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन, जैसे कि पेटीएम वॉलेट, अगर आपका पेटीएम बैंक खुला है तो वो भी आ जाएगा।
अगर आपने अपने यूपी के साथ बैंक लिंक किए हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे। अगर आपने डेबिट कार्ड कोई ऐड करके रखे वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ऐड करके रखा है तो वो भी आ जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, भीम यूपीआई से, जो आपके पेटीएम के साथ बैंक अकाउंट है लिंक, आप इनमें से किसी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका रूम बुक हो जाएगा। रूम बुक होने के बाद आपको होटल के ऑनर का नंबर ही मिल जाएगा, तो फिर आप होटल के ऑनर के साथ फ़ोन पर ही बात कर सकते हैं होटल के बारे में कि कहाँ पर आपका होटल है, कैसे है, जो भी दोस्तों आप करना चाहते हैं आप वो बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आप कैसे पेटीएम से रूम बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा।